मिसिंग आप सभी का आधार ICS के YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है संस्कृत लैंग्वेज पेपर 2 के लिए, इसमें ऑलरेडी 7 सेट डिस्कस हो चुके हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है क्वेश्चन आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको बहुत इजी लग रहा है तो आप इजी भी लिख सकते हैं, टफ लग रहा है आपका जो अपना एनालिसिस है आप बता सकते हैं। और किसी भी चैप्टर में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए कि ये इस चीज़ में प्रॉब्लम है या यहाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, तो आपको कमेंट करके पूछ सकते हैं। इससे पहले भी कुछ सेट्स दिए हुए हैं, बहुत से लोगों ने शायद नहीं देखा होगा या फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो मैं उनके लिए बता रही हूँ कि ऑलरेडी 1000 क्वेश्चन का सेट दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जाकर वो 1000 क्वेश्चन देख सकते हैं। कुछ नहीं तो 50% क्वेश्चन तो आपको वो इम्पॉर्टेंट होंगे ही, तो आप जितना हो सके वो सेट्स देख कर रिविज़न कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन इन माई कमेंट बॉक्स, आप पूछ सकते हैं। साथ साथ जो आपके जो डिटेल वाला चैप्टर है 36 सेट उसके भी दिए हुए हैं, तो आप वो देखिए जिसमें कि संस्कृत साहित्य का उद्भव और विकास है, उससे रिलेटेड या वेदांग है, संहिताएं हैं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इसके साथ साथ ग्रामर का भी, एक एक चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, उपसर्ग, जितना भी है आपके सिलेबस में। सिर्फ शब्द रूप और धातु रूप को मैंने छोड़ दिया है क्योंकि वो तो आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन तो होता नहीं है, तो आप खुद पढ़िए। बाकी अदर सेक्शन का कंप्लीट वीडियो है, आप कंप्लीट वीडियो को देखिए और अपना रिविज़न करके अच्छे मार्क्स लाइए। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रैक्टिस सेट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को मनोभाव्य व्यक्तवाद के नाम से भी जाना जाता है? अगर आप इसको तोड़कर पढ़ेंगे तो क्या होगा, मनोभाव अभिव्यक्तिवाद के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से सिद्धांत को जानते हैं? ए, ऑप्शन ए इंगित सिद्धांत, बी आवेग सिद्धांत, सी संगीत सिद्धांत या डी प्रतिभा सिद्धांत। तो इसमें आपको बताना है मनोभाव विभक्त, मनोभाव अभिव्यक्ति वादकता सिद्धांत, मनोभाव अभिव्यक्ति व्यक्तवादता सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? ए इंगित सिद्धांत, बी आवेग सिद्धांत, सी संगीत सिद्धांत या डी प्रतिभा सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? बी आवेग सिद्धांत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यह कौन सा सिद्धांत है? इन्वर्टेड कॉमा में आपको सिद्धांत का नाम दिया हुआ है। संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। आप फिर से एक बार देख लीजिए, संयोग से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। ऑप्शन ए प्रतीक सिद्धांत, ऑप्शन बी रणन सिद्धांत, ऑप्शन सी संगीत सिद्धांत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए प्रतीक सिद्धांत। आप लाइन पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लहंदा भाषा की बोलियों में शामिल नहीं है? इसमें एक भाषा का नाम दिया हुआ है लहंदा भाषा, तो निम्नलिखित में से कौन सी बोलियां हैं जो लहंदा भाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए मुल्तानी, ऑप्शन बी पोठवारी, सी धन्नी या डी सिराकी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है सिराकी। ये अफगानिस्तान बॉर्डर वाले जो है, पाकिस्तान अफगानिस्तान, उधर ये भाषा बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में सत्य है? दो सेंटेंस दिए हैं, 1 और 2, दोनों को आप पढ़ेंगे और उसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बताएंगे। तो ऑप्शन ए है, पहला है, नंबर 1 है आपका, सौरसेनी भाषा का नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा? सौरसेनी भाषा का नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। और नंबर 2 क्या है? सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। दो कथन दिए गए हैं, दोनों को आपको पढ़ना है। अब आपको उसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 और 2 एंड ऑप्शन डी
इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बोथ, वन एंड टू दोनों सही हैं। तो सौरसेनी भाषा का नाटकों में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है, ऑप्शन वन है, और टू है सौरसेनी से वर्तमान हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है, ऑप्शन ए भर्तृहरि, बी भामह, सी व्याडी या ऑप्शन डी दंडी। तो किसके द्वारा किया गया है, व्याडी के द्वारा किया गया है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का नाम है या रचना है उसके बारे में आपको बताना है। बुक का नाम है पूमचर्यु, किसकी रचना है, पूमचर्यु, ऑप्शन ए रविसेन, बी पुष्पदंत, सी विद्यापति या डी भामा। तो किसकी रचना है, ये रविसेन की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस संप्रदाय के भुक्तिवाद मत के प्रतिपादक कौन है, रस संप्रदाय के भुक्ति मतवाद के प्रतिपादक कौन है, ऑप्शन ए भट्ट लोलट, ऑप्शन बी भट्ट नायक, ऑप्शन सी अभिनव गुप्त या ऑप्शन डी मम्मट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी भट्ट नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, निम्नलिखित कथन किसका है, किसने ये कथन कहा है, अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसे उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना है, मतलब जो काव्य है वो अलंकार के विहीन वैसा ही है जैसा आग है लेकिन आग में गर्मी नहीं है, उष्णता विहीन है। अलंकार विहीन काव्य की कल्पना वैसी ही है जैसी उष्णता विहीन अग्नि की कल्पना, किसने कहा है ये, ऑप्शन ए भामह, बी भोज, सी जयदेव या डी रुद्रट। तो ये किसने कहा है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी जयदेव ने कहा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्योत्पत्ति के संदर्भ में मृतात्श्राद्ध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, किसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, नाट्योत्पत्ति के संदर्भ में मृतात्श्राद्ध सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, ऑप्शन ए वेंडिस, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी पिशेल एंड ऑप्शन डी रिजवे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है डी रिजवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, नंबर वन है संस्कृत रूपकों में दुखांत की व्यवस्था नहीं है, सेंटेंस टू देखिए, यहां 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं, इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन सही है, ए वन, बी टू, सी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी दोनों सही हैं। संस्कृत रूपकों में दुखांत की व्यवस्था नहीं है, मतलब जो सैड एंडिंग होता है ट्रेजडी एंडिंग नहीं होता है, और यहाँ 10 प्रकार के रूपक और 18 प्रकार के उपरूपक होते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन क्षेमेंद्र की रचना नहीं है, ऑप्शन ए कवि कंठाभरण, ऑप्शन बी है ग्रीववध, ऑप्शन सी रामायण मंजरी या ऑप्शन डी भरत मंजरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी है ग्रीववध। ठीक है, ये किसकी रचना है, क्षेमेंद्र की रचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए, आपको मैचिंग करना है कौन सा सही है वो बताना है, अवंती सुंदरी कथा और राइटर दिए हैं इसमें दंडी, नंबर वन में क्या है अवंती सुंदरी कथा दंडी, नंबर टू है मुकुट ताडितक बाणभट्ट, ऑप्शन सी मंदार मंजरी अंबिका दत्त व्यास या ऑप्शन सी शिवराज विजय विवेश्वर पांडे। तो करेक्ट आपको बताना है, करेक्ट सुमेलित करना है, ऑप्शन ए है ए टू बी वन सी फोर डी थ्री, ऑप्शन बी है A1, B3, C2, D4, ऑप्शन सी है
A4, B2, C3, D1 और ऑप्शन डी है A1, B2, C4, D3। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, A1, B2, C4, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी आपको सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ए भारतोदय प्रयागराज, बी संस्कृत संजीवनम पटना, सी सरस्वती सौरभम बड़ौदा या डी साहित्य वाटिका दिल्ली। मतलब ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए भारतोदय प्रयागराज, ये सही सुमेलित नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? हरिद्वार हो जाएगा। भारतोदय जो है, भारत उदय हरिद्वार से प्रकाशित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्गा दत्त किस कवि के पिता का नाम है? दुर्गा दत्त किस कवि के पिता का नाम है? ए माघ, बी हर्षवर्धन, सी अंबिका दत्त व्यास या डी विशाख दत्त। करेक्ट आंसर है क्या? अंबिका दत्त व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविता कामिनी कौतुक के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ए कालिदास, बी भारवी, सी जयदेव, डी बाणभट्ट। नाम क्या? कविता कामिनी कौतुक। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर्तृहरि का संबंध किस क्षेत्र से है? ए काश्मीर, बी मालवा, सी बंगाल, डी विदर्भ। करेक्ट आंसर क्या है? बी मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अश्वघोष किसके राजाश्रित कवि थे? ये सब वन लाइनर है तो इसमें ज़्यादा टाइम टेकिंग तो कुछ है नहीं। अश्वघोष किसके राजाश्रित कवि थे? ए कनिष्क, बी कीर्ति वर्मा, सी जयाप्रद या डी यशोवर्मा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किसके राजाश्रित थे? ए कनिष्क। नेक्स्ट, श्री हर्ष का प्रिय छंद कौन सा है? ए अनुष्टुप छंद, बी वंशस्थ छंद, सी उपजाति या डी आर्या छंद। कौन सा है? सी उपजाति छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, रत्नाकर का प्रिय अलंकार कौन सा है? ए उपमा अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी रूपक अलंकार या डी अनुप्रास अलंकार। रत्नाकर का प्रिय अलंकार कौन सा है? प्रिय अलंकार कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिदास की प्रिय रीति और गुण कौन से हैं? कालिदास की प्रिय रीति और गुण कौन से हैं? ऑप्शन ए वैदर्भी रीति और ओज गुण, ऑप्शन बी वैदर्भी रीति प्रसाद गुण, ऑप्शन सी वैदर्भी रीति माधुर्य गुण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, करेक्ट आंसर है वैदर्भी रीति और प्रसाद गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। इसमें आपको कवयित्री का नाम दिया हुआ और ग्रंथ का नाम दिया, उसमें जो करेक्ट सुमेलित करना वो आपको बताना है। ए राम भद्राम्बा कथा मुक्तावली पहला है, नंबर टू है पंडिता क्षमा राव रघुनाथाभ्युदय, नंबर थ्री है पुष्पा दीक्षित राम कथा, और नंबर फोर की जो कवयित्री है मधुरवाणी और बुक का नाम है अष्टाध्यायी सहज बोध। तो इसमें से आपको सही सुमेलित करना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुष्पा दीक्षित राम कथा, पुष्पा दीक्षित राम कथा। इसमें आप देखिए आपको दिया हुआ ऐसे ए बी सी डी, ठीक है। तो ए में देखिए क्या है, A1, B3, C4, D2। B में क्या है, A2, B1, C3, D4। ऑप्शन सी क्या है, A2, B1, C4, D3। और ऑप्शन डी क्या है, A1, B2, C3, D4। तो इसमें आपको बताना है क्या है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, A2, B1, C4, D3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें आपको पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका का कपल्स का नाम दिया हो जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। ए पुंडरिक महाश्वेता, बी हंस गौरी, ऑप्शन सी चित्रथ मदिरा या ऑप्शन डी श्वेत केतु चित्रांगदा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा?
डी श्वेत केतु चित्रांगदा, ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें क्या होगा, श्वेत केतु लक्ष्मी, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये भी आपको मैचिंग बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ए गालव मारिच, बी चंद्रापिड सुखनास, सी पाणिनी सोमरात, डी असुरी कपिल मुनि। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, शिष्य और गुरु का कॉलम दिया हुआ है, तो कौन शिष्य गुरु कॉलम इसमें सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी पाणिनी सोमरात, ये सही नहीं है, पाणिनी उपवर्ष होगा, बाकी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा दुष्यंत की राजधानी कौन सी थी, ए दशपुर, बी अयोध्या, सी हस्तिनापुर या डी धारा नगरी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हस्तिनापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारिच आश्रम किस पर्वत पर स्थित है, मारिच आश्रम किस पर्वत पर स्थित है, ए रामगिरी, बी हेमकूट, सी आटविक या डी इनमें से कोई नहीं। तो मारिच पर्वत, मारिच आश्रम कहाँ पर स्थित है, हेमकूट पर्वत पर स्थित है। नेक्स्ट आपको मंगलाचरण दिया हुआ है, आपको बताना है कि किसका ये मंगलाचरण छंद किसका है, ये दिक्काल यवन छंद, दिक्काल यवन अविच्छिन्ना किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है, ए नीति शतकम, बी नैषेधीय चरितम, सी शिशुपाल वधम या डी अभिज्ञान शाकुंतलम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए नीति शतकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति शतक सही है, नीति शतकम में कुल श्लोकों की संख्या कितनी है, नीति श्लोक में कितने श्लोक हैं, ए 101, बी 111, सी 121 या डी 151। तो करेक्ट आंसर क्या है, 111। इसमें से कितने आप लोगों को याद होंगे, कुछ तो रोज पढ़ते सुनते हैं तो वो कुछ तो आपको याद ही होगा नीति शतक का श्लोक। नेक्स्ट है आपका, रत्नावली नाटिका में नायक का नाम आपको बताना है, नायिका रत्नावली है, तो नायक कौन है, ए नल, बी नंद, सी उदयन या डी राजवाहन। तो नायक कौन है, सी उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीपद महाकाव्य किस ग्रंथ का अपर नाम है, श्रीपद महाकाव्य जो है किस ग्रंथ को अपर नाम मतलब दूसरा नाम है, ऑप्शन ए मेघदूतम, बी कुमार संभवम, सी रघुवंशम या डी शिशुपाल वधम। तो किसका नाम है, ये शिशुपाल वधम का नाम है। 30 नंबर क्वेश्चन आपका, श्रृंगार रस के प्रमुख देवता कौन है, ए शिव, बी इंद्र, सी विष्णु या डी महेंद्र। तो श्रृंगार रस के प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे, श्री विष्णु भगवान हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन है आपका, नायिका कादंबरी की नायिकाओं में कौन सी कोटि है, नायिका की कोटि कौन सी कोटि है जो कादंबरी की नायिका है, ए स्वकीय मुग्धा, बी स्वकीय मध्या, सी स्वकीय प्रौढ़ा या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी स्वकीय प्रौढ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यान्दिन बृहदारण्यक का संबंध किस वेद से है, ए ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है शुक्ल वेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद या ऑप्शन डी सामवेद। किससे संबंधित है मध्यान्दिन बृहदारण्यक, ए ऋग्वेद, बी शुक्ल यजुर्वेद, सी कृष्ण यजुर्वेद या डी सामवेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी शुक्ल यजुर्वेद। सी क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, स्व अध्याय एवं पंच महायज्ञों का विवेचन तैत्रीय आरण्यक के किस प्रपाठक में दिए गए हैं, स्व अध्याय या और पंच महायज्ञों का विवेचन तैत्रीय आरण्यक के किस प्रपाठक में दिए गए हैं, ए प्रथम, ऑप्शन ए है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय या ऑप्शन डी चतुर्थ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी द्वितीय।
नेक्स्ट सेंटेंस जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें दो कथन दिए हुए हैं, दोनों कथन को पढ़ के आपको बताना है कौन सा सत्य है। ठीक है, नंबर वन है, आध्यात्मिक विवेचन की दृष्टि से आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। नंबर टू सेंटेंस आपका, उपनिषदों में दर्शन की विचारधारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई है। अब इसमें आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी टू, ऑप्शन सी वन एंड टू बोथ, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें सत्य है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, दोनों सत्य है। आध्यात्मिक विवेचन की दृष्टि से आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों से संबंध है। और दूसरा सेंटेंस है आपका, उपनिषदों में दर्शन की विचारधारा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यकाम जाबाल की कथा किस उपनिषद में मिलती है? ऑप्शंस देखिए, छांदोग्य उपनिषद ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी तैत्तरीय उपनिषद, ऑप्शन सी मुंडको उपनिषद, या ऑप्शन डी कट उपनिषद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? छांदोग्य उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, केनोपनिषद में कुल कितने खंड हैं? केनोपनिषद में कुल कितने खंड हैं? ए, ऑप्शन ए है 4 खंड, ऑप्शन बी 5 खंड, सी 6 खंड, 6 खंड, या ऑप्शन डी 8 खंड। तो कितने खंड हैं? ए, 4 खंड दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योतिष वेदांग के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पिंगक, बी यास्क, सी लगधक, या डी पाणिनि। तो कौन है? सी लंगद। नेक्स्ट, शोड शिनु क्या है? ए भाषा है, ऑप्शन बी जनजाति है, सी हवे यज्ञ है, या डी सोम यज्ञ है। क्या है? ये सोम यज्ञ है, शोड शिनु, अच्छा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुक्ति उपनिषद के अनुसार 108 में से कितने उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है? ठीक है, ऑप्शंस देखिए, ए 9, बी 10, सी 11 एंड डी 12। तो कितने हैं इसमें से? डी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये आपका 40 क्वेश्चन है। ठीक है, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं? 70 क्वेश्चन का सेट है, उसमें से आपका 40 क्वेश्चन है। जल प्लावन के संबंध में आख्यान किस ब्राह्मण में मिलता है? ए, ऑप्शन ए है सतपथ ब्राह्मण, बी ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी तैत्रीय ब्राह्मण, या ऑप्शन डी पंचविश ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्ववेद के किस कांड में सभी सूक्त विवाह विषयक हैं? अथर्ववेद के किस कांड में सभी सूक्त विवाह विषयक हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 15, और ऑप्शन डी 16। तो कितने हैं? बी 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौष्टिक सूक्त का संबंध किस वेद से है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। मतलब सूक्त भी क्या होता है? न्यूट्रिशस होता है, जिससे एनर्जी मिलता है। पौष्टिक सूक्त का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौथुमीय किस वेद की शाखा है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, या डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी सामवेद। निम्नलिखित में से किसे वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद,
ऑप्शन बी शुक्ल यजुर्वेद, ऑप्शन सी कृष्ण यजुर्वेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, किसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 करेक्ट आंसर इसका होगा बी शुक्ल यजुर्वेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 45 है, ऋग्वेद के दसम मंडल, ऋग्वेद के दसम मंडल के कुल सूक्तों की संख्या कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में जो दसम मंडल है उसमें कुल कितने सूक्त हैं? ऑप्शन ए 121, बी 151, सी 191 या डी 201। तो ऋग्वेद के दसम मंडल में कुल कितने सूक्त हैं, संख्या कितनी है? तो करेक्ट आंसर है 191। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, घोषा संवाद किस वेद में प्रस्तुत किया गया है? घोषा संवाद किस वेद में प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऋग्वेद, ए ऋग्वेद है, ए ऋग्वेद। इसके बाद ग्रामर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विवार वर्ण है? ऑप्शन ए थ, बी ल, सी घ या डी ज। सब में हलंत दिया हुआ है, ठीक है, विवार वर्ण है, कौन सा है? थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उच्चारण स्थान कंठ तालु है? कंठ तालु से कौन उच्चारित होता है? ऑप्शन ए ओ, बी म, सी ए या डी ल। तो कंठ तालु से कौन उच्चारित होता है? सी ए होता है। ए को आप करेंगे, इसका संधि कीजिएगा तो अ और ई से बनता है। अ का उच्चारण स्थान कंठ है और ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो दोनों मिलकर ए बना तो कंठ तालु हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन संधि से है, सत चित की संधि करेंगे तो क्या बनेगा? ऑप्शन ए संचित, ऑप्शन बी सचित, ऑप्शन सी सतचित, ऑप्शन डी संतचित। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी सचित। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ली किस संधि का सूत्र है? आप संधि के सूत्र पढ़े थे तो तोड़ली किस संधि का सूत्र है? ए अच संधि, बी व्यंजन संधि, सी विसर्ग संधि या डी इनमें से कोई नहीं। तो तोड़ली किसका सूत्र है? व्यंजन संधि का सूत्र है। जिसको भी संधि समास कारक में कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख सकते हैं, सारा डिटेल में वहां दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तर्षि में कौन सा समास है? ऑप्शन ए द्वंद समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या डी द्विगु समास। समास क्या है आपका? सप्तर्षि। तो सप्तर्षि में कौन सा समास है आप विग्रह कर लीजिए, जहां भी संख्यावाचक शब्द होता है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? आपको समास का नाम दे दिया गया, आपको उदाहरण मतलब देखना है कि कौन सा बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए शांतिप्रिय, बी नवरात्रम, सी विद्यालयम या डी महादेव। तो कौन सा करेक्ट आंसर है? ये शांति प्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारे रुत्मण किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? आपको कारक का सूत्र का नाम दे दिया गया, आपसे पूछा जा रहा है कि किस विभक्ति का ये सूत्र है। ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो किसका ये सूत्र है? चतुर्थी का है, संप्रदान कारक। नेक्स्ट में भी आपको विभक्ति बताना है, कृष्ण मातिर साधु में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए द्वितीया, बी सप्तमी, सी पंचमी या डी प्रथमा। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सप्तमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा में कौन सा प्रत्यय है?
राज्ञा में कौन सा प्रत्यय है? ए इन प्रत्यय, बी इंश प्रत्यय, सी इप प्रत्यय या डी ताप प्रत्यय। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इप प्रत्यय होगा। प्रस्ताव में कौन सा प्रत्यय है? शब्द है आपका प्रस्ताव, इसमें कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए ल्यूट प्रत्यय, बी घ्य प्रत्यय, सी अच प्रत्यय या डी इप प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी घ्य प्रत्यय। नेक्स्ट, दांडिक या दंडिक में कौन सा प्रत्यय है? ए ठन प्रत्यय, बी इतच प्रत्यय, सी इनी प्रत्यय या डी मतुक प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है इसमें? करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ए ठन प्रत्यय। नेक्स्ट आपको शब्द रूप धातु रूप से क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो कौन सी है इसमें? तृतीया विभक्ति है। तो शब्द रूप धातु रूप आप देख के ही बता देंगे कि कौन सा विभक्ति है। अगर आपको कोई भी शब्द अकारांत, इकारांत, उकारांत एक एक आप याद कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा। अगर ट्रांसलेशन भी आपको दिया जाता, अनुवाद भी दिया जाता है, तो आपको शब्द रूप धातु रूप ग्रामर का नॉलेज हो तो आप कर सकते हैं इजिली। त्रियक्षु किस विभक्ति का शब्द है? ए तृतीया, बी पंचमी, सी षष्ठी या डी सप्तमी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सप्तमी। नेक्स्ट है आपका धातु रूप से, स्तुत में है कौन सा धातु रूप है या कौन सा वचन है या कौन सा पुरुष है? आपसे धातु रूप में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, या ऐसे दिया जा सकता है कि मूल रूप देकर आपसे उसका प्रथम पुरुष एक वचन पूछा जाए या उत्तम पुरुष बहुवचन पूछा जाए, ठीक है। तो ऑप्शन है स्तुत में प्रथम पुरुष है, बी मध्यम पुरुष है, सी उत्तम पुरुष है या डी इनमें से कोई नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी मध्यम पुरुष है। यहाँ आपका 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट आपको चैप्टर से क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मेघ किस वंश में उत्पन्न हुआ? मेघ किस वंश में उत्पन्न हुआ? ऑप्शन ए चंद्र वंश या पुरु वंश में, ऑप्शन बी किरात वंश में, ऑप्शन सी पुष्कर और आवर्तकी वंश में या ऑप्शन डी आवाहनीय वंश में, ठीक है। तो किस वंश में मेघ का उत्पन्न हुआ है? आंसर है पुष्कर और आवर्तकी वंश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए हरिसेन, ऑप्शन बी व्यारयण, ऑप्शन सी रवि कीर्ति या ऑप्शन डी ईश्वर प्रदत्त। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिशुपाल वधम से, शिशुपाल वधम का प्रिय छंद कौन सा है? मतलब शिशुपाल वधम जो बुक है उसमें सबसे ज्यादा छंद कौन सा यूज हुआ है? ए अनुष्टुप छंद, बी मालिनी छंद, सी वंशस्थ छंद या डी उपजाति छंद। तो करेक्ट आंसर क्या है? बी मालिनी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेघदूत से है, रामगिरी किसके चरण चिन्हों से युक्त है? रामगिरी किसके चरण चिन्हों से युक्त है? ए श्री राम, बी श्री हरि, सी इंद्र या डी विश्वामित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? श्री रामचंद्र के चरण चिन्हों से युक्त है रामगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस धनुष का नाम बताएं जिसका प्रयोग राम ने सीता स्वयंवर में किया था। बहुत इजी क्वेश्चन है, उस धनुष का नाम बताएं जिसका प्रयोग राम ने सीता स्वयंवर में किया था। ऑप्शन ए पिनाक, ऑप्शन बी अघोष, ऑप्शन सी विजय या ऑप्शन डी पिंडिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन से धनुष का प्रयोग किया गया था? पिनाक धनुष का प्रयोग किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किराता अर्जुनियम की घंटापथ टीका के टीकाकार कौन है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ, बी मलय केतु, सी भारवी या डी भास। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन है टीकाकार? करेक्ट आंसर है इसका ए मल्लीनाथ। तो जो भी ये सर देख रहे होंगे प्लीज़ पूरा 70 सेट क्वेश्चंस तक देखिएगा, ये नहीं कि स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन देखकर छोड़ दिए या बीच से 10 क्वेश्चन देख लिए। जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसको कंप्लीट देखिए, तभी आपको उसका फ़ायदा होगा। थोड़ा बहुत इधर उधर से देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं या जो भी बुक पढ़ रहे हैं, जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो उसको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। जब तक आप पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हैं या अपना भी असेसमेंट नहीं कर सकते हैं कि कितने सही किए कितने गलत किए। तो क्वेश्चन बीच में देख कर मत छोड़िए, जितना क्वेश्चन है उसको पूरा आंसर करने का ट्राई कीजिए, क्योंकि एग्जाम में तो आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पे 70 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ के मार्ग में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? ये क्वेश्चन मेघदूत से, मेघदूत में जो मेघ भ्रमण करते हैं तो मेघ के मार्ग में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? ऑप्शन ए तापी नदी, बी नर्मदा नदी, सी गंडक नदी या डी गंगा नदी। तो कौन सी नदी सबसे पहले मिलती है? नर्मदा नदी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था? रावण किस वाद्य यंत्र को बजाता था? ए ऑप्शन ए मृदंग, ऑप्शन बी वीणा, ऑप्शन सी बैंजो, ऑप्शन डी रुद्रामठ। तो रावण किस वाद्य यंत्र को बजाते थे? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावार्थ रामायण किसकी रचना है? भावार्थ रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए एकनाथ, बी ऑप्शन बी है रुद्रट, ऑप्शन सी है रुयक या ऑप्शन डी है अश्मक। तो भावार्थ रामायण किसकी रचना है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए एकनाथ की रचना है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, नर्मदा किस वृक्ष के कुंजों से अवरुद्ध है? नर्मदा किस वृक्ष के कुंजों से अवरुद्ध है? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी नारियल, ऑप्शन सी पलास या ऑप्शन डी जामुन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जामुन के कुंजों से अवरुद्ध है। तो ये आपका 70 सेट का क्वेश्चन था, आप इसको देखिए आंसर कीजिए, कितना आप करेक्ट कर पा रहे हैं कितना इनकरेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप ज़्यादा गलत कर रहे हैं तो आपको पढ़ने की एक बार और रिवीजन की जरूरत है। अगर आप 70 में 60 कर रहे हैं तो आप अच्छे कंडीशन में। तो इस तरीके से हर टेस्ट सीरीज़ को आप सारे क्वेश्चन करके देखिए, अच्छा लग रहा तो आप लाइक कर सकते हैं, और आपको कहीं भी किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।